बिहार में धर्मनगरी कहे जाने वाले बक्सर में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में मंच पर मौजूद बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपना आपा खो बैठे। अश्विनी चौबे कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो पता चला कि मंच के पोडियम में लगा माइक खराब हो गया है। इसी दौरान मंच पर मौजूद एक शख्स जब दूसरी माइक लेकर उन्हें देने के लिए पहुंचा तो वे आपे से बाहर हो गए और डांट फटकार लगाते हुए अश्विनी चौबे ने शख्स के हाथ से माइक छीन लिया और उसे धक्का देकर हटाने लगे। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बक्सर के अहिल्या उद्धार स्थली अहिरौली में सनातन संस्कृति समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 7 नवंबर से शुरू होकर आगामी 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावे 5 राज्य के राज्यपाल, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं को शामिल होना है। इसी बीच सनातन संस्कृति समागम कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। जैसे ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करने के लिए अश्विनी चौबे बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पोडियम में लगी माइक खराब है। इसके बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मंच पर मौजूद एक शख्स जैसे ही उन्हें दूसरी माइक ला कर देता है, अश्विनी चौबे उसी पर बरस पड़ते हैं। इसी दौरान अश्विनी चौबे ने न सिर्फ उस शख्स को जोरदार डांट लगाया बल्कि उसके हाथ से माइक छीन कर धक्का भी दे दिया। इस घटना को देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। 2 मिनट में हमारे सांसद महोदय करेंगे, आगे कथा का कार्यक्रम चलेगी। 2 मिनट में अपने भावों को बस 2 मिनट में बोलना तो हमेशा है, जब से सांस समाप्त है बोलना ही बोलना है, जब जब बोलने का मौका मिलेगा बस 2 मिनट। Thank you.